महिला आंदोलन में शिरकत करना या उनके सवालों को लेकर संघर्ष करना, उनके अधिकारों को दिलवाना, उनकी उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा लगाकर उनको सपोर्ट करना, उनकी उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को हाईलाइट करना, ये सब तमाम चीजें ऐसी हैं उसकी पूरे स्टेटस को अपने लेखन के द्वारा या कविताओं के द्वारा या साहित्य के द्वारा प्रचारित करना, सब लोगों के समक्ष रखना, ये बहुत बड़ा कार्य है जो कि हमारी हमारे साथ बैठी हुई सभी मेरी साथी एक काम कार्य कर रही है, जहाँ गरीब महिला को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती है, बिल्कुल उसे इंसानियत के रूप में भी नहीं देखा जाता है। ऐसे ऐसे राज्य में काम करते हुए कुछ ऐसे अपने अनुभव होंगे जिससे गुजरते हुए तुम्हें बहुत चोट लगी होगी या तुम्हें बहुत हिम्मत आई होगी। जब मैंने उससे जब बात की, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि मैं एक गरीब महिला हूँ, गरीब है, और हम जब से ये सरपंच मुखिया बने हैं, प्रमुख बने हैं, तब से हमें कोई काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर आपको कार्यक्रम नहीं दे रहे हैं जानकारी या आपका चेयरमैन आपको नहीं दे रहा है, तो आप आरटीआई के द्वारा आप लेटर एड पे अपने बगल बनाना चाहिए। इतना संघर्ष था, और जब उसके बगल में कुछ लोग सामंतवादी प्रथा के लोग थे, महिमतवादी, और जब उनको पता चला कि ये महिला यहाँ तक आती है, तो हमको तो संघर्ष जो झेलना पड़ा, अमला जी भी हमको बचाई, प्लस जब वो फंड उनको मिलना शुरू हो गया तो उस गांव के लोग बोलने लगे कि हमारे स्कूल में, हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, हमारी गरीब लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है। उसके बाद जब उनको फंड मिला तो वो काम करने लगे, और हमेशा आज भी वो एक MLA के रूप में उस क्षेत्र से जीत के आए हैं, और बिहार में बहुत अच्छी विधायिका है वो, और वो अभी भी हमें जब देखती हैं तो बहुत इज्जत सम्मान से बोलती हैं कि आपने बहुत हमारा साथ दिया। आज एक विधायक बनकर एक जो बोल नहीं सकती थी, जो ये अपने अधिकार क्या है, एक पंचायत सरपंच के होते हुए क्या अधिकार है ये नहीं जानती थी, आज विधायिका में बैठकर वो देश के राजनीति में हिस्सा ले रही है। रीता जी से मैं ये जानना चाहूंगी, रीता जी यूपी से आती हैं, तो आप इस आंदोलन में कैसे कूद पड़ी है? तो शुरुआत जब हमने की तो वो अपने ही प्रताड़ना से 6 महीने तक मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उन महिलाओं के साथ जब मिलकर उनकी स्थितियों को देखा, तो हमने एक हमारे दलित साथी ने ही मुझे प्रोत्साहित किया संस्था बनाने के लिए, और इस तरह से जो महिलाओं के साथ जो रेप के केसेस होते थे, सवर्णों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते थे, तो उस पर हमने काफी एक्शन लिया और कई सारे रेप केसेस के फैक्ट फाइंडिंग किए, उसको रिपोर्ट को सौंपा, महिला आयोग तक भी सौंपा, और उसमें कई के डिसीजन हुए, कई के कंपनसेशन भी मिले। इस तरह से काम करते करते मेरा मतलब अभी जो है संस्था में ज्यादातर दलित बच्चों के साथ हम एजुकेशन और बच्चियों के साथ खास करके एजुकेशन पे मैं काम कर रही हूँ। या सभी महिलाओं की समस्या एक जैसी मानकर हम चलेंगे, या दलित महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की समस्याएं सबसे अलग है ये मानकर चलेंगे? गौतम बुद्ध जी ने बोला था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी हम इस मार्ग से जाते हैं कि हम सब महिलाओं के प्रश्न जो है, जैसे दलित महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के बहुत ही गंभीर प्रश्न है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी हम बहुजनवादी व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए हम इन सब महिलाओं के प्रश्नों को लेकर ऐसा समझते हैं कि ये ब्राह्मण्यवादी व्यवस्था है और पुरुष प्रधान व्यवस्था है, इन दोनों के इसमें ये इसका चकनाचूर किया जाता है, इसलिए इसकी लड़ाई बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। स्त्रीवादी है, उनका जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो, अगर आपका शोषण हो रहा है तो घर छोड़कर आ जाओ, उनके लिए शायद ये बहुत कंफर्ट है क्योंकि उनके पास साधन है, संसाधन है, उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन दलित महिला के पास क्या है? अगर वो अपने बच्चों की उंगली पकड़ के घर से बाहर निकल जाए तो पति जैसे 1000 लोग उसके बाहर खड़े हैं उसका शोषण करने के लिए, एक पति के सामने झुकने के घर में एक पति के सामने झुक लिया, लेकिन बाहर उसे 10 लोग के साथ झुकना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और हम ये मानते हैं, हमारी आइडल सावित्रीबाई फुले, तो हम ये मानते हैं कि घर में खड़े होकर ही लड़ेंगे अपना राइट और अपना अधिकार और अपनी डिग्निटी, हमें अपने घर में खड़े होकर असर्ट करनी है।
ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दलित लेखिकाएं जो हैं, उनकी जो अनुभव है उसके अभिव्यक्ति में और पुरुष लेखकों के अभिव्यक्ति में बहुत अंतर है, जहां नारी के संघर्ष को बहुत ही सकारात्मक रूप से नहीं दिखाया जाता है।